वेलकम बैक टू 5 पैसा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं देवांशी आशर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के इम्पोर्टेंट लेवल्स, 5 स्टॉक्स टू बाय एंड सेल और आज के स्टॉक्स इन न्यूज। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और सारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के इम्पोर्टेंट लेवल्स के साथ। निफ्टी के लिए आज 16,850 इज द सपोर्ट लेवल एंड 17,100 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। वहीं निफ्टी बैंक के लिए 38,500 इज द सपोर्ट लेवल एंड 39,700 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स ऑफ द डे की। इन स्टॉक्स को आप 7 to 10 डेज के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। तो आज हमारा पहला स्टॉक है गोदावरी पावर। इस स्टॉक में पॉजिटिव क्रॉसओवर बना है तो आप इसे 373 के लेवल्स पर बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 361। 385 पहला टारगेट, 395 सेकंड टारगेट होगा। सेकंड स्टॉक इज इंडिया सीमेंट। इस स्टॉक में पुल बैक एक्सपेक्टेड है तो आप इसे 190 के लेवल्स के आसपास बाय करें। 184 स्टॉप लॉस होगा, 196 फर्स्ट टारगेट, 202 सेकंड टारगेट होगा। थर्ड स्टॉक इज KPIT टेक। दिस स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, 847 के लेवल्स के आसपास बाय करना है। 805 का स्टॉप लॉस होगा, 890 पहला टारगेट, 931 सेकंड टारगेट होगा। फोर्थ स्टॉक इज अपोलो पाइप्स। इस स्टॉक में वॉल्यूम्स लगातार इंक्रीज हुए हैं, आप इसे 565 पर बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 542, 588 पहला टारगेट, 610 सेकंड टारगेट होगा। फिफ्थ स्टॉक फॉर टुडे इज वेरॉक इंजीनियरिंग। इस स्टॉक में भी वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं तो आप 272 के लेवल्स के आसपास बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 264, पहला टारगेट 280, सेकंड टारगेट 288 का रख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक के परफॉर्मेंसेस की। तो एक्सप्रो इंडिया में हमने आपको बाइंग रेकमेंड किया था। दिस स्टॉक वेंट अप 4% एंड अचीव्ड इट्स फर्स्ट टारगेट। पॉलीमेट में भी बाइंग रेकमेंड किया था, स्टॉक में 4% तक के गेन्स देखने मिले एंड इसने पहला टारगेट अचीव किया है। सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी बाइंग रेकमेंड किया था, दिस स्टॉक वेंट अप मोर देन 2.5% इन टुडेज मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की स्टॉक से न्यूज की, जिसमें आज हम फोकस करेंगे सारदा एनर्जी, ज्वारे इंडस्ट्रीज और सद्भाव इंजीनियरिंग पर। सारदा एनर्जी विल बी इन फोकस टुडे। कंपनी को अपने रोलिंग मिल के एक्सपेंशन करने की छत्तीसगढ़ एनवायरनमेंट बोर्ड से अप्रूवल मिल चुका है। रोलिंग मिल की जो कैपेसिटी है वो 1,80,000 टन से बढ़ाकर 2,50,000 टन करेगी कंपनी एंड दिस इज पॉजिटिव। ज्वारे इंडस्ट्रीज पर नजर रखे, कंपनी ने इनवीएन इंटरनेशनल एंड ज्वारे इनवीएन बायो एनर्जी के साथ शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट एंड सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट साइन किया है। बेसिकली कंपनी ने एनवीएन के साथ एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है एंड ज्वारे एनवीएन बायो एनर्जी इज द जेवी ऑफ दिस कंपनी। सद्भाव इंजीनियरिंग पर नजर रखिए, क्योंकि कंपनी ने द्विजेश जोशी को नया CFO अनाउंस किया है एंड दिस इज पॉजिटिव। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए 5 पैसे के चैनल को फॉलो करना ना भूलें।